नमस्कार, शुभ संध्या। दिल्ली की फ्री मेट्रो यात्रा को लेकर केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि महिलाओं के लिए मेट्रो मुफ्त कर दी जाएगी और इस बात से पूरे ही देश में खलबली मच गई थी। तो इसी पर ये चर्चा आगे बढ़ी और मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप केजरीवाल जी के ये प्रस्ताव को नकार दें। हालांकि ये देखा जा रहा है कि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी वार है, चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि ऐसा होने में 3 महीने के नहीं, कम से कम, नहीं तो कम से कम 1 साल का समय लगेगा, ऐसा मेट्रो मैन का कहना है। मेट्रो मैन ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो ऐसा करने से मेट्रो पूरी तरह से कंगाल हो जाएगी और अक्षम हो जाएगी। बहुत सी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, अलग अलग एंट्री गेट बनाने पड़ेंगे, पूरी मेट्रो अपने आप में तितर बितर हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम पर सभी ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि कोई भी किसी भी तरीके के यात्री को मेट्रो में रियायत नहीं दी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस बात से सहमत थे क्योंकि वो उस समय के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी उस टाइम पर शाहदरा से लेकर कश्मीरी गेट तक की यात्रा मेट्रो का टोकन लेके करी थी। यहाँ तक कि मेट्रो के जितने भी अधिकारी हैं, किसी को भी ये राइट नहीं है कि कोई भी फ्री यात्रा कर सके, सभी लोग टोकन लेकर ही यात्रा करते हैं। तो इस तरीके के फ्री राइड्स देना किसी भी सोसाइटी को गलत होगा। तो ई श्रीधरन ने मेट्रो की इस बातचीत को लेके मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो केजरीवाल के इस चुनावी लॉलीपॉप को स्वीकार ना करें। दिल्ली मेट्रो ने मोदी जी को 2 प्रस्ताव भी भेजे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 तरीके से ऐसा हो सकता है जैसा कि केजरीवाल जी ने प्रस्ताव रखा है। पहला ये, या तो सारी मशीनें बदली जाएं, सब तरीके का सारा प्रसाधन बदला जाए, पर उसमें कम से कम 1 साल का समय लगेगा। और दूसरा उपाय ये है कि महिलाओं के लिए अलग से पिंक टोकन बनवाए जाएं, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। बहरहाल बात इतनी है कि कोई भी फ्री राइड्स की जो लॉलीपॉप दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक लालच है, एक वोट्स को पाने का तरीका है। ई श्रीधर ने यह भी बताया कि दिल्ली मेट्रो केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार का जॉइंट वेंचर है और अगर ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया गया या इस बात को अनुमति दे दी गई तो बिल्कुल दिल्ली मेट्रो अक्षम हो जाएगी और कंगाल हो जाएगी। केजरीवाल लोकसभा में करारी हार के बाद तरह तरह के चुनावी लॉलीपॉप अलग अलग वर्गों को दिए चले जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नजर नहीं आता। वो देख रहे हैं कि एक वर्ग से तो उनको वोट बटोर लिए जाए पर दूसरे वर्ग को उसी के साथ साथ वो अपने खिलाफ कर रहे हैं। तो ये चुनावी लॉलीपॉप फ्री मेट्रो राइड्स का सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है और एक लालच है वोट पाने के लिए, जिसका कोई भी सिर पैर आने वाले समय में नहीं दिखाई देता। और आखिर हम ये पूछना चाहते हैं कि इसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? या केजरीवाल अपनी सैलरी से काट के देंगे या वो हमसे ही हमारी सैलरी से काट के लेंगे? इससे बेहतर तो ये होगा कि वो सभी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे सबको लाभ हो, सिर्फ एक वर्ग को नहीं। और एक खुशखबरी ये है कि दूसरी तरफ DMRC ने ये अनाउंस किया है कि वो सभी यात्रियों के लिए किराया कम कर सकती है। तो जितने भी मेट्रो यात्री हैं वो इस बात को गौर से सुने और इस बात की खुशखबरी के लिए खुश हो जाएं कि हमारे लिए किराया कम हो सकता है। और आज की दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के यूपी सरकार की वजह से चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग में हुई थी देरी। पूर्व इसरो प्रमुख माधवन नायर ने बताया कि कांग्रेस की यू सरकार के वक्त पर ही चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला था, लेकिन माधवन नायर ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की मूल योजना 2012 में बनाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार नीतिगत फैसले लेने में देरी कर गई, इसलिए चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 7 साल बाद हुई। माधवन नायर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ऐसी परियोजनाओं पर जोर दिया, इनमें चंद्रयान 2 और गगनयान भी शामिल थे। अब तो इसरो भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में कितनी ही गलतियां हुई थी और कितने ही काम पेंडिंग पड़े थे जो कि मोदी सरकार आने के बाद पूरे हुए हैं, पूर्ण हुए हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमसे आने वाली और भी ऐसी अच्छी खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।